नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। इसराइल और हमास के बीच जंग जारी है, जंग ऐसी जो हर पल एक के बाद एक मासूमों की जान ले रही है। मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पहले हमास ने हमला किया और फिर इसराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस जवाबी कार्रवाई के बाद हमले ने जंग का रूप लिया। इसराइल ने फिलिस्तीन पर ऐसा कहर बरपाया कि दुनिया देखती रह गई। फिलिस्तीन में मानो मौत तांडव करने लगी। इस हमले में अब तक दोनों ओर मौत का आंकड़ा हजार के पार पहुंच गया है। युद्ध के दौरान तस्वीरें सामने आई कि इसराइल ने हमास के कई आतंकियों को ढेर कर दिया है और सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। इसराइल इस युद्ध में अपने लोगों की मौत का चुन चुन कर बदला ले रहा है और हमास को घर में घुसकर मार रहा है। इस युद्ध में इसराइल को एक के बाद एक सफलता हाथ लग रही है, जिसमें उन्हें एक और कामयाबी मिली है। कामयाबी ये कि इसराइली फोर्सेस ने हमास के नेवल कमांडर मोहम्मद अबू अली को उठा लिया है। बताया जा रहा है कि इजरायली फोर्सेस तत्काल उसे अपने बेस कैंप ले आई। आपको बता दें कि मोहम्मद अबू अली की ब्रिगेड ने ही इजरायली म्यूजिक फेस्टिवल पर एक भयानक हमला किया था, जिसमें खासा नुकसान हुआ था। इजरायली वायुसेना ने उस इमारत पर भी बम गिराया है जहां हमास के कई बड़े कमांडर रहकर युद्ध का संचालन कर रहे थे। इसमें कई कमांडर्स की मौत की जानकारी है। बताया जा रहा है कि ये कमांडर्स किसी नए मिशन को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे, साथ ही वे अपने साथियों को गाइड भी कर रहे थे। ये भी इसराइल के लिए एक बड़ी सफलता है। इसराइल जिस तरह हमास को घर में घुसकर मार रहा है, उससे हमास में खासा नुकसान हो रहा है। आतंकियों को इसराइल चुन चुन कर मार रहा है। फिलहाल इस सफलता के अलावा भी इसराइल के सूत्रों की ओर से एक और जानकारी साझा हुई है। जानकारी ये कि इसराइल बॉर्डर पर तो युद्ध लड़ ही रहा है, लेकिन उसके अंदर भी युद्ध चल रहा है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस की ओर से इसकी जानकारी मिली है। हमास ने भी गाजा पट्टी की सीमा से लगे इजरायली क्षेत्रों में भी लड़ाई की पुष्टि की, जिसमें ओफाफीम, सेडरोट, याद मोर्दचाई, केफर अज्जा, बेरी, यतीद और किसुफिम शामिल हैं। जंग के इस दौर में इसराइल के लिए राहत की खबर ये भी है कि राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसराइल को मदद देने के लिए कहा है, जिसके लिए अमेरिका इसराइल को असलाह हथियार भेजने की तैयारी कर चुका है। अमेरिका ने रविवार को ही कह दिया था कि वो इजरायली रक्षा बलों का समर्थन करने के लिए हथियारों सहित अतिरिक्त उपकरण और आपूर्ति भेजेगी। साथ ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी इस हमले में इजरायल को मजबूत समर्थन देने की बात कही है। फिलहाल इजरायल लगातार हमास पर हमलावर है और चुन चुन कर हमास में आतंकियों को ढेर कर रहा है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।